ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आज मैं घर पे कैसे व्हाइट ब्रेड बनाते हैं इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं कैसा ये ब्रेड बना है, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट ये बना है। आप आराम से व्हाइट ब्रेड को घर पे बना सकते हैं और बहुत ये ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है बनाना और आपका घर का आपका फ्रेश ब्रेड रेडी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। ब्रेड बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम्स मैदा, 240 ml दूध, 7 ग्राम्स इंस्टेंट ईस्ट और 1 स्पून मैंने बटर लिया है, 20 ग्राम्स शुगर, 10 ग्राम मिल्क पाउडर और 1/2 स्पून लगभग सॉल्ट। सबसे पहले दूध को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। इसको ल्यूकवार्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म करेंगे बिकॉज इसमें चीनी वगैरह मिलाएंगे तो ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें शुगर मिला रही हूँ, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। शुगर को मैंने मिला लिया है, अभी ये आप उंगली डाल के भी इसको चेक कर सकते हैं, ये गुनगुना से थोड़ा सा गर्म है। अभी इसमें मैं ईस्ट डाल रही हूँ, पूरा ईस्ट डाल देंगे और उसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो जाए, या फिर जब तक ये थोड़ा ऊपर से झाग जैसा दिखने ना लगे तब तक रखेंगे। और इसको रख के 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ऊपर से ये ऐसा दिखने लगा है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इसी में अब मैं डाल दे रही हूँ मैदा, मिल्क पाउडर, वेल मिल्क पाउडर नहीं है तो भी बन जाएगा ब्रेड, बट मिल्क पाउडर डालने से अच्छा सॉफ्ट बनता है ब्रेड। और सॉल्ट, अभी ये सबको मिक्स कर लेंगे, स्पून से ही मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है ये, मैंने काउंटर को थोड़ा सा ग्रीस किया है बटर से। आप चाहें तो इसे किसी बड़ी थाली में या किसी भी चीज़ में इसको आप गून सकते हैं। इसको पूरा निकाल लेंगे और इसको भी को नॉर्मल जैसे आटा रोटी का बनाते हैं वैसे गून लेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों को ग्रीस करके भी इसको गून सकते हैं। ये अभी खाली मिक्स किया था दूध में इसको, तो अच्छी रोटी बनाने के लिए आटे को अच्छे से गूनना चाहिए, सेम वैसे ब्रेड बनाने के लिए भी है। गूंद लेंगे इसको, आप चाहें तो अपने हाथों को छुड़ाने के लिए कुछ यूज भी कर सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस। करके समेटते रहेंगे इसको,
और आप चाहें तो जो बटर लिया है आप वही बटर भी ग्रीस करके इसको मल सकते हैं। ये काफ़ी इकट्ठा होने लगा है, ये देखिए पहले ये कैसा एकदम गीला गीला सा था, अभी अच्छा इकट्ठा होने लगा है। ये देखिए काफ़ी ये सिमटने लगा है, इकट्ठा हो गया है। मैंने अभी अपने हाथों को ना धोया है एक भी बार, ना मैंने काउंटर पोछा है। ये देखिए पूरा इकट्ठा, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा ये कैसे इकट्ठा हो गया है। बस एक दो मिनट और इसको मलेंगे एंड दैट्स इट, ये रेडी है। बिल्कुल ऐसे ही रोटी का आटा भी होता है, पहले बिखरा बिखरा सा होता है, फिर उसको जब अच्छे से गूंद दिया जाता है तो इकट्ठा होने लगता है वो भी। और ये देखिए ये हो गया पूरा इकट्ठा, मैंने हाथों को धोया नहीं है, मेरा हाथ भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और इस पर अब बटर लगा के एक बार मल देंगे, पूरा मिक्स हो जाए ताकि बटर इसमें अच्छे से। आप चाहें तो इसको स्टार्टिंग में ही मिक्स कर सकते हैं, जब ही दूध में मैदा डाला। बटर काफी मिल चुका है इसमें, ऑलमोस्ट डन। अभी आटे को किसी बर्तन में करके रखेंगे, ढक देंगे। उसके लिए मैंने एक बर्तन को ग्रीस कर लिया है, थोड़ा सा आप ऑयल या बटर लगा दीजिए और इसको अभी आटे को रख देंगे अभी उसमें। और इसको किसी गीले कपड़े से या किसी भी ढक्कन से आप ढक के एक घंटे के लिए अभी रख देना है इसको, ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। इसको रखे हुए एक घंटे हो गए हैं और ये देखिए साइज में एकदम बड़ा हो गया है ये। इसको अभी निकाल लेंगे। इसको इसकी एयर निकाल लेते हैं। एयर को मैंने अच्छे से निकाल लिया है इसके, और अभी जिस भी मोल्ड में आप इसको डालेंगे उसको ग्रीस कर लीजिए। इसमें मैंने बटर लगा लिया है। मैंने ये एक रेक्टेंगुलर शेप का ब्रेड मोल्ड लिया है। आप कोई भी नॉर्मल अगर रेक्टेंगुलर शेप का आपका बर्तन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आटे को हम ऐसे लॉग जैसा बनाएंगे इस शेप में, ताकि जिस शेप का मोल्ड है उस शेप में बना लेंगे इसको, जो क्रैक्स हैं उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे। या आप चाहें तो आटे को फैला के इसको रोल भी, पूरा आप ऐसे ऐसे करके रोल भी कर सकते हैं और इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके लाइक दिस ऊपर से ये स्मूथ दिखे। और इसको अभी मोल्ड में डाल लेंगे। अभी इसको मोल्ड में प्लेस कर लेंगे
ऐसे, और इसको ऐसे हाथों से फैला देंगे पूरा, इसमें प्रॉपर शेप आ जाए ताकि, और इसको वापस से 40 to 50-60 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। आप चाहें तो इसको किसी कवर, आपके पास अगर इसका कवर हो तो कवर से इसको ढक दीजिए, या फिर किसी गीले कपड़े से इसको ढक के रख दीजिए। और इसको रखे हुए अब लगभग 50 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से राइज हो चुका है। इसके ऊपर मैं अब थोड़ा सा मिल्क ब्रश करूँगी, दूध से इस ब्रश कर देंगे। और मैंने ओवन को 350 पे प्री हीट कर दिया है, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको कोई बड़ा सा कुकर या पैन, कुछ भी हो बड़ा गहरा हो जो, उसमें आप 1 किलो तक सैंड, बालू जिसको बोलते हैं, या फिर नमक डाल के आप तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए उसको गरम कर लीजिए अच्छे से, जो प्री हीट जिसको बोलते हैं। और उसके बाद आप उसमें अपने ब्रेड को डाल दीजिए। ब्रेड को उसमें 30 मिनट के लिए डालिए, आप मीडियम या मीडियम हाई हीट पे रखिए आप 30 मिनट्स के लिए, और चाहें तो उसमें 20 मिनट के बाद आप दूध ब्रश कर दीजिए, और भी अच्छा गाढ़ा कलर, ब्राउन कलर आ जाएगा। मैं इसको ओवन में डालूंगी 30 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक आपका अच्छा सा ऊपर ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक के लिए। और इसको मैंने ओवन में 25 मिनट्स के लिए रखा, उतने में इसमें अच्छा कलर आ गया है। डिपेंड्स आपका मोल्ड कितना बड़ा है, कितना बड़ा आपने डो डाला है, उस हिसाब से जल्दी या लेट होगा। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा, इट्स हॉट, ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है। इसको निकाल लेंगे अभी, आप चाहें तो ये लगानी है साइड्स पे, फिर भी आप एक नाइफ डाल के घुमा दीजिए, उसको पलट लेंगे। अब इसको पलट लूँगी और एकदम आसानी से ये निकल गया, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर बना है, इसको फ्लिप कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा बना है ये। और ये इसको मैं प्रेस करके दिखाती हूँ कितना ये सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है। ऊपर अब मैं थोड़ा सा इसमें बटर लगा दूंगी, बिकॉज ऊपर ये खुला रहता है, कुक होने से ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इस पर बटर ब्रश कर देंगे लाइक दिस। और अभी इसको किसी वेट पेपर टॉल में या टॉल में रैप करके रख देंगे। मैंने एक पेपर टॉल लिया है, इसको मैंने वेट कर लिया है, इसमें मैं इसको रैप कर दूंगी। और ऐसे रैप करके इसको रख देंगे। मैंने ब्रेड को रैप करके रखा था, इसको रैप किए हुए लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। इसको मैंने खोल दिया है और ये देखिए कितना सॉफ्ट, ऊपर से भी बटर लगाने के वजह से, रैप करने की वजह से एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए इसको मैं कट करती हूँ। मैं रेगुलर नाइफ से कट कर रही हूँ, लेट्स सी
इसको आई थिंक ऐसे करके काटेंगे तो बेटर इजी होगा थोड़ा कट करना। एक और पीस कट करती हूँ। बिल्कुल अच्छा, एकदम जैसे मार्केट का ब्रेड होता है वैसा है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। बिल्कुल सॉफ्ट बना है और ये मैंने कट कर लिया है। और इसका मैंने 3 स्लाइस अभी कट किया है, बिकॉज ऐसे भी देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने पूरा नहीं कट किया है। और बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बनाना, थोड़ा इजी है बनाना, तो थोड़े टाइम में आपका हार्डली 2 घंटे लगेंगे इसको बनाने में और आपका घर का फ्रेश ब्रेड रेडी हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको बनाना ट्राई करिए, और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।